आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। भारत की नई शिक्षा नीति पर आधारित ब्रेन साइंस लैब का उद्घाटन भारत सरकार के ऊर्जा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री रिजवानुर रहमान जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था के निर्देशक और मेमोरी ट्रेनर राहुल कुमार ने लैब में लगाई गई मशीनों के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि ये मशीनें विद्यार्थियों की पढ़ाई में कितनी उपयोगी हैं। राहुल कुमार जी ने बताया कि ये मशीनें ब्रेनीवुड संस्था के मालिक डॉक्टर विनोद शर्मा द्वारा शोध करके बनाई गई हैं। पॉलिसी के ऊपर जो बेस हमारी जो लैब है जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो लैब उन्होंने बनाई और आज जो हमारी टीम ने रिसर्च करके लिए मशीनें बनाई हैं जो कि टोटली स्टूडेंट्स की जो लर्निंग होती है, लर्निंग साइकिल जो होती है उसको कम्प्लीट करती है और जो लर्निंग प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करती है। तो उसी के अगस्त में जो है आज चीज रिसर्च है जो कि अभी आपके सेकंड गवर्नमेंट में जो है ईस्ट इंडिया में जो है अभी बहुत कार्यरत हैं और जो उनकी एजुकेशन है आपका यूएसए और अब्रॉड इंडिया जो है बहुत है और उन्होंने और मैं चाहूँगा से कि आप जो है सर का एक बार आप लोग के आप खुद उनके बारे में जानते हैं तो फिर बस मैं उनका आभार प्रकट कर सकता हूँ। ब्रेन साइंस, अब इस टॉपिक को जरा सा देख लेते हैं छोटा सा। ब्रेन साइंस है क्या? ये जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, जो आपकी अकल जिसे आप कहते हैं, ये है क्या? सो इस अकल के बारे में इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं, ऐसी लैब्स क्यों बन रही हैं और ऐसी रिसर्च क्यों हो रही है ब्रेन के बारे में, ये ब्रेन है क्या? सबसे पहले जब मैं अपने बेटे के स्कूल में गया तो वहां पर एक चीज मेरे को लिखी हुई, ब्रेन साइंस लैब जो इंडिया की फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो बेस्ड, एक जो बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग पे बेस्ड और साइंटिफिक वे में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए कि जिससे वो जो उनका सर फोर्थ डायमेंशन ऑफ लर्निंग होती है, जैसे रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग है हर कोई कराता है स्कूल में कॉलेज में सब जगह कराता है, लेकिन लर्निंग जो होती है कैसे याद करें और समय पर कैसे आ जाए ये कोई नहीं कराता है। तो उस मेथड को, साइंटिफिक मेथड को हम लोग आज है लेके आए हैं जो कि मशीन लर्निंग के थ्रू से सर, जिसमें कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल वे में सिखाएंगे कि हाउ टू लर्न एंड हाउ टू रिकलेक्ट ऑन द टाइम, जिसके उपलक्ष्य में आज हमने ब्रेन साइंस लैब का उद्घाटन किया है। जो किसके द्वारा आज उद्घाटन कराया? आज जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर हैं जो कि स्किल इंडिया में हैं उनके द्वारा सर, रिजवान सर के द्वारा। अच्छा, आपके द्वारा कितने रिकॉर्ड आज तक बनाए गए हैं, क्या विशेष आपकी उपलब्धियाँ? मोर देन 8 रिकॉर्ड्स हैं मेडिट सर, और आपका एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है सर, और अभी सर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रिकॉर्ड बहुत सारे बनाने वाले हैं क्योंकि मेंटल मैथ की प्रॉब्लम होती है और लर्निंग की प्रॉब्लम होती है सर, और जो एजुकेशन का पूरा साइकिल जो सर होता है वो हम इस प्रैक्टिकल लैब के द्वारा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी क्रांति सर एजुकेशन में लेके आ रहे हैं हम लोग।